Yes, sir. What are the, can you tell me the different types of velocities? Sir, I don't know. You don't know. Types of velocities. So, पहला तो लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पकड़ लो, कोई भी एक पार्टिकल है व्हिच इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स। वो पहला 10 मिनट पे पकड़ लो एक्स डिस्टेंस जाता है, अगला 10 मिनट में भी एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, तो वो क्या कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेस मैन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि समय के साथ उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो समान है ना? हो गया? नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है? वो इक्वल डिस टाइम पे, टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पकड़ लीजिए, वहां ए टू बी, इसको टाइम लगा 10 मिनट, ए टू बी का अगर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होता है? 20 मीटर। नेक्स्ट, बी टू सी 20 मीटर, बी टू सी इसको कवर करने में 5 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट का टाइम लग रहा है बी टू सी जाने में। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो पार्टिकल है इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या आप मेरे को बी टू सी का डिस्टेंस बता सकते हो? हाँ, यस सर, कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सर कैन आई बी कैलकुलेटेड? That distance is not given, so I don't think so it can be calculated. Distance is not given. See, I am giving you a clue that the particle is moving. Particle is moving with uniform velocity. क्या अभी हम कर सकते हैं? पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मुझको फर्स्ट हाफ जो है इसका 10 मिनट्स पे 20 मीटर का डिस्टेंस पता है, इतना ट्रेवल कर रहा है ना, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? डिस्टेंस सर और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
बाई टाइम, है ना? तो इट विल बी योर 2 मीटर पर मिनट। 1 मिनट पे कितना जाएगा? 10 मिनट पे वो 20 मीटर जाता है, तो 1 मिनट पे कितना जाएगा? 2 मीटर जाएगा, है ना? और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब वो बी टू सी जो मूव करेगा वो भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, है कि नहीं? तो यस सर, अगर सेम वेलोसिटी है और अगर मुझको वेलोसिटी पता है तो मैं 5 मिनट पे वो कितना, 1 मिनट पे कितना जाता है? 1 मिनट पे हो जाता है 2 मीटर, 2 मीटर जाता है तो 5 मिनट पे कितना दूर जाएगा? 10 2 into 5 होगा, निकाल सकते हैं अभी। एग्जैक्टली, यस सर। तो डिस्टेंस नहीं दिया है पर हमको क्या बोल दिया है कि इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक जहां पे मुझको ए टू बी का डिस्टेंस पता है और उस कितना टाइम लगता है वहां तक जाने में, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई 10 मिनट पे, 10 मिनट पे वो 20 मीटर ट्रेवल करता है। इसका मतलब 1 मिनट पे कितना ट्रेवल करेगा? 1 मिनट पे वो 2 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो 1 मिनट पे अगर 2 मीटर वो मूव करता है तो 5 मिनट पे कितना मूव करेगा? 10 मीटर करेगा। वेरी सिंपल इट इज, यूनिटरी मेथड से करो, है ना? ओके नाउ, यस सर। ओके। तो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा क्या टाइप का वेलोसिटी हो सकता है? दूसरा हो सकता है मेरा वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी और मैं बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जिसमें ना कि समय के साथ वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, वो उसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वेरिएबल वेलोसिटी में लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ, वेरिएबल वेलोसिटी आइदर इट्स स्पीड चेंजेस, आइदर इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। और बोथ चेंजेस विथ टाइम, इस समय के साथ अगर किसी भी चीज का स्पीड चेंज होता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है या फिर दोनों ही चेंज होते हैं, स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको कि वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या, किस टाइप का वेलोसिटी?
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कि भाई यस एक सर। एक हाँ एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ना 10 मिनट पे, पहले 10 मिनट पे जैसे हमने पहले किया था, 10 मिनट पे वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और नेक्स्ट 10 मिनट पे वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पहला 10 मिनट पे कितना किया? 20 मीटर। नेक्स्ट 10 मिनट पे कितना किया? 40 मीटर। तो इसका वेलोसिटी सेम होगा क्या? पहला पकड़ लो ए टू बी, अगर मैं वेलोसिटी निकालू इसका ए टू बी, तो कितना होगा वेलोसिटी? 20 मीटर गया 10 मिनट पे, तो 1 मिनट पे कितना जाएगा, या फिर 1 सेकंड पे कितना जाएगा, है ना? तो पहले मिनट पे निकालते हैं, 1 मिनट पे कितना होगा? 20/10 मतलब 2 मीटर पर मिनट। मैं मिनट पे लिख रहा हूँ रे, अगर आपको सेकंड पे निकालना है तो क्या करेंगे? तो टाइम को हम सेकंड बना देते हैं, है ना? यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो तो ये सेकंड पे आ जाता है ना। ओके, तो अभी हम लोग लिख रहे हैं भाई, मिनट पे दिया है तो मिनट पे लिख रहे हैं कि 2 मीटर पर मिनट हो गया, ये ए टू बी पॉइंट पे वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर मिनट। तो बी टू सी कितना स्पीड पे मूव कर रहा है? वेलोसिटी बी टू सी विल बी इक्वल टू 10 मिनट पे 40 मीटर, तो 1 मिनट पे 40/10 है ना, तो 4 मीटर पर मिनट। तो देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी दिखा आपको, वेलोसिटी चेंज हो गया। तो यस सर। ये किस टाइप का वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी पकड़ लो एक एक हमने एक बॉल लिया, और उस बॉल को एक रस्सी से बांध लिया, और इसको हम घुमा रहे हैं, उसका स्पीड सेम स्पीड पे घूम रहा है इसे सर्कुलर पाथ, तो उसका स्पीड सेम है और सेम स्पीड पे क्या हो रहा है? ये घूम रहा है। ओके, सेम स्पीड पे ये घूम, कैन यू टेल मी इसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा? बताओ, सेम स्पीड में बोल रहा हूँ, v लिनियर स्पीड है, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है, और इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है? उसी स्पीड पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसे लिनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन द पार्टिकल इन ए इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बताओ। यूनिफॉर्म होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म होगा? नहीं नॉन यूनिफॉर्म क्यों? नहीं यस, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच पॉइंट इफ वी ऑब्जर्व। इसका डायरेक्शन क्या था? इधर जाने वाला था। भी जो है अगर मैं छोड़ देता तो यहाँ से टेंजेंशियल निकल जाता है ना, टेंजेंशियल निकल जाता, यहाँ इस पॉइंट पे अगर देखे तो ये ऐसे निकल जाता, टेंजेंशियल निकलने की कोशिश करता है, यहाँ से छोड़ दे तो ये ऐसे निकलने की कोशिश करता है, यहाँ से छोड़ दे तो ये ऐसे निकल जाने की कोशिश करता है, यहाँ से छोड़ दे तो
ऐसे निकल जाने की कोशिश करें। तो हर एक पॉइंट पे इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो सेम रह रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो ये किस टाइप का वेलोसिटी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमको समझ में आ गया। अभी थर्ड वेलोसिटी टाइप, थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या है, थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है, हो सकता है वो सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा हो या फिर सेम टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, तो या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, सर अगर डिस्प्लेस हाँ डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम सुनाई नहीं दिया, मैं इतना धीरे बोलती है ना, सुनाई नहीं देता, थोड़ा जोर से बोलो। सर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम रेशियो ऑफ displacements डिस्प्लेसमेंट, and total time. रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम, ये कब आएगा, जब मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है कि पकड़ लो आपको हमने आपका आपका फिजिक्स में आपका नंबर आया 90 आउट ऑफ 100, आपका केमिस्ट्री में आया 95 आउट ऑफ 100, आपका मैथमेटिक्स में आया से 85 आउट ऑफ 100, है ना, आपका बायोलॉजी में आया से 89 आउट ऑफ 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज, या फिर परसेंटेज या एवरेज कितना हो, तो आप क्या करोगे, एवरेज मतलब सबको प्लस कर देंगे और फिर एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 90 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 89 करेंगे, और एवरेज निकालने के लिए कितना पर सब्जेक्ट कितना मिला भाई, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, है ना। क्लियर, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि मिला के एक चीज पे कितना मिल रहा है उस टाइप से। तो जब मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये T1 टाइम पे S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, T2 टाइम पे S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, T3 टाइम पे कुछ अलग से डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस अलग सेम टाइम पे, सेम टाइम पे या अलग अलग टाइम पे ले रहा है, चलो ठीक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल दें, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा मेरा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई T1। तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने से तो भाई इसका रेशियो बराबर आता, है ना। तो सबका T टाइम पे वो S डिस्टेंस, मतलब यूनिट टाइम पे हम क्या निकाले हैं, एवरेज यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको निकाल रहे हैं। ओके, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एम आई क्लियर, यस सर ओके। तो लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे क्या, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नंबर 4 इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ये टर्म बहुत बार मिलेंगे ना, इंस्टेंटेनियस 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 का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल. वेरी स्मॉल. ओके, और कुछ? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल नहीं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे, है ना? अभी पकड़ ले, एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कहीं पे ऐसा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम स्पीड में जा रहा है ना? पकड़ लो, आप अपने घर से आपके कॉलेज के लिए निकले, गाड़ी में बैठे. अब गाड़ी का ड्राइवर जब चालू करेगा तो वो 0 वेलोसिटी पे है, रुका हुआ था. फिर उसने आपके घर से वो चालू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने स्पीड पकड़ा, है ना? धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ेगा. तो पहले तो उसका 0 वेलोसिटी था और उसके बाद वो एक स्पीड पकड़ा और फिर कुछ देर, कुछ टाइम के बाद वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जा रहा है. तो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या, सामने एक और गाड़ी आ गई तो उसको क्या किया, अपना ब्रेक मारा. तो ब्रेक मारा तो क्या हुआ, गाड़ी पूरा तो रुकेगा नहीं, उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा. तो यहाँ से इसका स्पीड जो है ना, तो स्लो डाउन होके अगर 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, फिर यहाँ तक जाके उसको पास मिला. और उसको पास जैसे ही मिला, उसने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाया और वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ओवरटेक कर लिया गाड़ी. अब इस ट्रक को अगर ओवरटेक करना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाया और 60 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से इसने ओवरटेक किया, तो ओवरटेक कर लिया भाई. उसके बाद वो फिर से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था और कुछ टाइम के बाद सामने ट्रैफिक जाम आया तो वो फिर से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फिर से वो चला. चलो, इस टाइप का क्या हो रहा है, ये क्या देखते हैं हम लोग? ये हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं ना. एक टाइम पे कुछ वेलोसिटी रहा, फिर दूसरे टाइम पे कुछ वेलोसिटी, तीसरे टाइम पे वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल पे. तो किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैं अगर बोलूं कि आपका आपका 0 से लेके आपके कॉलेज तक पहुंचने में आपको से यूट्यूब से 45 मिनट्स का टाइम, ओके? और इन 45 मिनट पे आपका जो गाड़ी था, वो कार वाज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस, S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया. फिर 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया. फिर कुछ अलग स्पीड में गए, फिर से अलग स्पीड में गए. इस टाइप से हम जाके कितना देर में पहुंचे, 45 मिनट का टाइम लग गया और हमारे कॉलेज तक पहुंचने में. मैं ये जानना चाहता हूं कि वेल, एट पार्टिकुलर टाइम से 10 मिनट, 10 मिनट बाद आपका स्पीड क्या रहा होगा? इस टाइप का कुछ मुझको पता करना है. तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इस पार्टिकुलर मोमेंट पे आपका वेलोसिटी क्या था वो निकालना है. समझ में आया इंस्टेंटेनियस क्या होता है? यस इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पार्टिकुलर, पकड़ लो हमने 8 बजे सुबह 8 बजे अपने घर से चालू किया था, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 8:10 को स्पीड क्या था, ओके? या फिर से 8:30 को इस गाड़ी का स्पीड क्या था? तो वो हो गया पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी मुझको पता करना है. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, तो अगर मैं इस पूरे एंटायर ये T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, T4 टाइम पे, S1, S2, S3, S4 इस टाइप का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4. इस टाइप से हम एवरेज निकाल सकते हैं, है? और किसी भी दो पॉइंट पे, पकड़ लो
मैंने बोला ये x1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, 0 से x1 डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा x2 डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दे रहा हूँ, x1 मीटर पे है, x2 मीटर पे है, और x2 तक पहुंचने में मुझको टाइम लगा t2, x1 तक लगा t1, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x2 x1 से x2 के बीच में वेलोसिटी कितना एवरेज होगा, मैंने आपको अभी क्या किया, डिस्टेंस नहीं दिया, हाँ s1 s2 नहीं दिया, मैंने क्या दिया कि x1 डिस्टेंस में बता रहा हूँ कि x1 पर्टिकुलर एक पॉइंट है x1 पे और पर्टिकुलर डिस्टेंस है x2 पे, और x1 से x2 तक जाने में इसको t2 का टाइम लग गया, और t1 इसका शुरुआत से, मतलब t=0 यहाँ पे है टाइम। ओके, आप आपके कॉलेज पे कैसे जाते हो, स्कूल के गाड़ी से कि अपने खुद का व्हीकल से, स्कूल स्कूल वैन वैन, तो जब पकड़ लो स्कूल वैन जब शुरू किया है ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे t=0 पे स्कूल वैन चालू हुआ और वो चलते चलते आपके घर पे आया t1 टाइम पे, t1 टाइम पे वो आपके घर के सामने है, तो उसका कुछ एक वेलोसिटी था उस वक्त, और मैं पकड़ रहा हूँ कि ऐसे पकड़ रहा हूँ कि आपको उसने लिया नहीं, यहाँ पे रुका नहीं और वो सीधा निकल गया, और t2 टाइम पे वो x2 डिस्टेंस किसी आपके फ्रेंड के घर के सामने, तो मुझको निकालना है कि ये बीच पे t1 से x1 और x2 के बीच पे उसका वेलोसिटी क्या रहा, कैसे इसका एवरेज निकालेंगे, तो हम निकाल लेंगे कि x2 0 से लेके x2 डिस्टेंस है ना, तो x2 - x1 अगर मैं कर दूं तो मुझको यहाँ का गैप का डिस्टेंस मिल जाएगा, x2 - x1 अगर कर दो तो निकल जाएगा डिस्टेंस, सर। और इतना डिस्टेंस उसने कितना टाइम में कवर किया वो कैसे निकल जाएगा, t2 - t1 कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, t2 यस सर। माइनस टी वन कर दो तो ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम उसको लगा x1 से x2 तक जाने में, और टोटल डिस्टेंस मिल गया x2 - x1 करने से, है ना, इसका मतलब Δx/Δt, व्हाट इज डेल्टा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, एंड डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके आयशा, यस सर। ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी निकाला, एवरेज वेलोसिटी हम अगर हमको डिस्टेंस पता है s1 s2 s3 पता है तब तो हम पूरा डिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस मिलेगा डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं टोटल टाइम मिल जाएगा, अगर मुझको पोजीशन पता है कि x1 इतने पे x2 इतने पे है तो मैं x1 x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1 करके भी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं, अभी अगर मुझको एवरेज पता है ना तो हम लोग इंस्टेंटेनियस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है वो निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जब मेरा डेल्टा टी इक्वल टू जीरो टेंस टू जीरो, दिस डेल्टा टी नहीं इसको एकदम जीरो पे लेके आएंगे, इसको छोटा करते 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 ये डेल्टा टी को ना इधर से छोटा किया, यहाँ से छोटा किया तो कितना और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, क्या पॉइंट मिल गया मुझे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों तरफ से छोटा करके लेके आओ, इसका मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी विल बी, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस, इट विल बी योर लिमिट, लिमिट पता है आपको, लिमिट पढ़ा है आपने, डू नो यू सर। नो लिमिट, लिमिट नो डेल्टा सर। टी टेंस टू जीरो कि टाइम को हम जीरो कर दे रहे हैं, छोटा कर दे करते एकदम छोटा कर दे रहे हैं, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टाइम एवरेज वेलोसिटी को
छोटा करके ना एकदम टी इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, बट इक्वल टू नहीं, उसके बराबर एकदम छोटा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको डिनोट किया जा सकता है डी टी ऑफ एक्स। व्हाट इज डी टी, व्हाट इज दिस सिंबल मींस डी टी, इससे ये क्या मीन कराता है बताओ? ये होता है डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव। डू यू नो व्हाट इज डेरिवेटिव? ऐसा So I did learn about this in basic math. डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और लिमिट अभी तक नहीं मिला ना आपको, नहीं कराया? No, sir, we have done it, but I forgot. ओके, डेरिवेटिव मतलब ये क्या होता है, तुम्हें पता था? लिमिट और डेरिवेटिव, ये दो चीजें आपको मिलेंगी कैलकुलस, कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है कैलकुलस। जैसे हमने अभी तक जो मैथमेटिकल ऑपरेटर देखा है बचपन से, क्या क्या किए हो आप लोग? एडिशन किए हैं, है ना, एडिशन किए हैं, सब्ट्रैक्शन किए हैं, मल्टीप्लिकेशन किए हैं और डिवीजन किया है। समझना मेरी बात को, एडिशन मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि कोई भी चीज हम लोग घटा रहे हैं, किसी एक चीज से कम कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है बताओ? किसी भी चीज को सर किसी भी चीज फाइंडिंग से मल्टीप्लाई करने से क्या क्या समझ में आता है? ऐड करना तो समझ में आता है ना, कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड कर दो मतलब जोड़ दे रहे हैं। माइनस करना भी समझ में आता है कि माइनस कर दिए मतलब क्या हो गया, कम कर दिए यहाँ से। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या समझ में आता है, मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड, एक ही चीज को अगर मैं बार बार प्लस कर रहा हूँ कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, सेम नंबर को प्लस कर रहा हूँ, है ना, तो इतना बार इसको प्लस नहीं करके हम क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5, अगर लो और एक ले लेता हूँ 6, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, और मैं लिखू 6 इंटू 5 लिख देगा, है ना। यस सर देखो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 25 एंड 30, तो 6 5 जा 30। तो इस चीज को क्या कर रहे हैं, बार बार हम लोग जब मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे मत पढ़ना कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना 6 5 जा, ये 6 5 जा नहीं, अब से आप बोलो कि 6 टाइम्स 5, क्या बोल रहे हैं, 6 टाइम्स 5, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6, 6 टाइम 5 इज इक्वल टू 30, ये अगर मैं 5 को 6 बार प्लस करूं तो मुझको 30 मिलता है, ये समझ में आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई से ये समझ में आता है रिपीटेड डिविजन। डिविजन से क्या समझ में आता है, डिविजन से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझ में आता है, डिविजन का मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर मैं किसी भी एक नंबर से, पकड़ लो 25 से, मैं माइनस करूँ 5 तो मिलेगा 20, फिर से माइनस करूँ 5 तो मिलेगा 15, फिर से माइनस करूँ 5 मिलेगा 10, फिर से माइनस करूँ 5 तो मिलेगा 5, फिर से माइनस करो 5 तो मिलेगा कितना, 0, है ना। तो 5 को हमने कितना बार माइनस कर पा रहे हैं, 5 से 5 को कितना बार, 25 से कितना बार माइनस कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मैक्सिमम कर सकते हैं, फिर 0। तो 5 25
डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 का डिवाइड कर रहे हैं ना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज योर डिवीजन। ये चार ऑपरेटर हमने एकदम क्लास 1 से पढ़ते 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 हम लोग आ रहे हैं ना। अभी पकड़ लो, पकड़ लो, ऐसा कुछ चीज है, सपोज मैं कैसे बताऊं आपको, ये एक रेक्टेंगुलर है, चाहे रेक्टेंगुलर है, इसका अगर मुझको एरिया निकालना है, दिस इज माई लेंथ दिस इज माई ब्रेथ, कैसे निकलेगा बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा मेरा एरिया। कितना आसान है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेंथ पकड़ लो, ये अगर लेंथ है, उसी लेंथ का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप बैठा हूं, 1 2 3 4 5, तो कितना स्ट्रिप लगेगा उसको, स्ट्रिप लगेगा बी टाइम्स, एक 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 स्ट्रिप बैठाने से ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। इसका मतलब मैं बोलूँ एल टाइम्स बी या फिर बी टाइम्स एल, ये होता है एरिया। लेकिन अगर पकड़ लो ऐसा इरेगुलर कुछ शेप है, इरेगुलर शेप है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको तो ऐसे डायरेक्टली प्लस करने से आएगा नहीं आएगा, है ना, आएगा क्या। इरेगुलर अगर कुछ शेप है और उसका अगर मुझको एरिया निकालना है, तो डायरेक्टली प्लस या माइनस करने से, हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं हम लोग निकालने के लिए, इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट देंगे, एकदम छोटा, एकदम छोटा छोटा पीसेस में इसको काट दें, जो भी इरेगुलर शेप है उसको छोटा पीसेस में काटो, और ये जो साइज में पकड़ूंगा, छोटा पीस का जो साइज में पकड़ूंगा यहाँ पे, वो साइज एकदम छोटा करते 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 एकदम छोटा कर देंगे, इसी को हम बोलते हैं लिमिट। लिमिट से इसका डिस्टेंस मैं पकड़ता हूँ एक्स, तो मैं बोलूंगा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को ना जीरो कर दो, या फिर लेंथ ले लेते हैं एल, तो इसका एल टेंस टू, ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ टेंस टू जीरो कर देंगे, तो जब ये छोटा हो जाएगा ना, तो ये कैसा शेप लेगा, ये फिर से ऐसा रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि ऐसा रेक्टेंगुलर शेप मैं इतना 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 पकड़ रहा हूँ। तो ये मैथमेटिक्स में जब आप लोग कैलकुलस पढ़ोगे तब जाके डिटेल्स में आपको समझ में आएगा चीजें, अभी सिर्फ आइडिया रखो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जब हम किसी भी इरेगुलर शेप का ना कुछ एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमारा काम नहीं बनता है, उस वक्त हम लोग कैलकुलस की मदद लेते हैं, और वहां पे दो चीजें करते हैं, एक को हम बोलेंगे डेरिवेटिव और दूसरे को बोलेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी भी बड़े चीज को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, एकदम छोटा पार्ट में डिवाइड करना, और इस छोटे पार्ट को जब डिवाइड पार्ट पे जब डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, हम लिखते हैं इसको डी डी टी, मतलब डी डी टी ऑफ से डी एक्स डी टी या फिर डी वी डी टी, ये टी डिनोट करेगा टाइम, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम बोल सकते हो, है ना, टाइम के हिसाब हम लोग डिवाइड कर पा रहे, थोड़ा बहुत समझ में आया, यस सर। बस इसमें ज्यादा माथा मारने का नहीं है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, सिर्फ जानो अभी, समझ लो कि भाई ये डेरिवेटिव होता है, डी डी टी का मतलब होता है डेरिवेटिव, और एक चीज मिलेगा इस टाइप से दिखेगा लंबा सा एस, किस खाते थे ना हम लोग लंबा सा एस, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना, इस ये जो डेरिवेटिव लिए मतलब हमने इसे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया,
एक बार छोटा पार्ट में डिवाइड करके हम इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे कि इस छोटा हिस्सा में ना इतना छोटा में उसका कितना वैल्यू आ रहा है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम फिर से जोड़ देंगे, फिर से प्लस कर देंगे सारे छोटे पार्ट को अलग अलग से कैलकुलेट करके फिर से जोड़ देंगे, और जोड़ने को हम बोलेंगे इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया, आप देखोगे इंटीग्रेट में आएगा लिमिट में, सपोज 0 to t टाइम तक, कि टाइम 0 से लेकर t तक हमने इसको पूरा प्लस कर दिया, तो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो ये दो टर्म आएंगे, आगे चल के हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने, दो टर्म, एक को हम बोलेंगे इंटीग्रल इंटीग्रल, और एक को बोलेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिवाइड कर देना, इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये तभी काम में हम लगाते हैं जब कोई भी चीज इरेगुलर शेप में होता है और हम लोग उसका कैलकुलेशन डायरेक्टली प्लस माइनस से नहीं कर पा रहे हैं तब। ओके, तो आज का क्लास में समराइज करता हूँ। समराइज क्या करेंगे, आज हमने क्या देखा, आज हम लोग डिस्टेंस और वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको बहुत बढ़िया से समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ हम लोग ट्रेवल करते हैं, वो होता है हमारा डिस्टेंस, है ना। दोनों का यूनिट जो होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा, दोनों यूनिट है मीटर। दोनों में अंतर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है ना। दोनों का डायमेंशन अगर हम बोले तो दोनों का डायमेंशन कैसे दिखाएंगे, लेंथ से दिखाएंगे, एल। ओके, डायमेंशन समझ में आता है आयशा, डायमेंशन समझ में आता है। यस सर, डायमेंशन समझ में आता है ना आपको, ना नहीं आता है? देखो, यस सर, जो भी नहीं आता है ना, बोलने से अगर कुछ उसका पिक्चर नहीं आता है, वो अगर समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू टॉक टू मी। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आता है, नहीं तो मुझको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आता है ना। समझ यस पा रहे सर, हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर यस सर, आप मेरे को नहीं बताओगे कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, तब तक मुझको समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में नहीं आती है ना। यस सर, तो डायमेंशन, डायमेंशन अगर समझ में आता है तो इसका डायमेंशन क्या है, एल, है ना। लेंथ का डायमेंशन ही लेता है डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद हमने बात किया वेलोसिटी और स्पीड का, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बात की है, और ये दोनों भी सेम चीज है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, और स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में, 1 दिन में, 1 घंटे पे कितना डिस्टेंस कवर करता है वो होता है हमारा स्पीड, और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हमारा वेलोसिटी। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट बोलने से मीटर पर सेकंड। वैसे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई नॉर्मली जो आप गाड़ी में चलते हो तो क्या बोलते हो, कि 60 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना, किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसा यूनिट यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग किलोमीटर, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, तो 1 घंटे में इतना किलोमीटर इस टाइप से बोल रहे हैं, पर सेकंड के बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे ला सकते हैं हम लोग। तो नॉर्मली ऐसा यूनिट की बात जब करते हैं हम लोग किताबों में, ऐसा यूनिट पे डील करते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का भी, है ना। और इनमें भी फिर से डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ क्या होगा, अगर समझ में आता है तो।
डायमेंशन बताओ तो। एल एल टी 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 माइनस वन नीचे है ना, एल बाई यस सर, टी यस सर, तो लेंथ बाई टाइम, तो नीचे है एक टाइम है तो टी माइनस वन, और स्पीड का भी क्या क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन है ना, ये हो गया उसका डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो ये स्पीड हो गया स्केलर, चलो हो गया वेक्टर। अब हमने बात किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। और उसके बाद हमने देखा एवरेज हम निकालेंगे कैसे वेलोसिटी का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने से एवरेज कैसे निकालेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो चीज। ठीक है, एम आई क्लियर? तो यस सर, पकड़ लो, एक मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले रहा हूँ, इधर मैंने वेलोसिटी डाला, ठीक है, या फिर स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी पकड़ लो, वेलोसिटी जी, और इस तरफ है मेरा टाइम जी। ठीक है, तो टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 1 2 3 4 5 6, पकड़ लो टाइम इज इन आवर, और वेलोसिटी जो है इट इज से इन किलोमीटर। कोई एक कार मूव कर रहा है, तो मैंने बोला भाई इसका ग्राफ जब प्लॉट किया तो ये पहला 1 घंटे पे ये पकड़ लो 10, 20, 30, 40, 50, सो 50 किलोमीटर इधर हमने रखा। मैंने बोला कि फर्स्ट 1 आवर ना ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला, नेक्स्ट दूसरे घंटे पे यहाँ पे था, तीसरा यहाँ पे था, चौथा इससे गया, तो ये जो कार होगा मेरा इस तरीके से, ये ग्राफ मैंने आपको दे दिया। इस ग्राफ को देख के क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको पता चलता है वो, व्हाट आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट। बोलो। So the body is moving with uniform velocity. ओके, तो पहला चीज हमको समझ में आया, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी, Displacement by time. कितना होगा इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ठीक है लेकिन कितना है इसका वेलोसिटी, सर 40/4 10. वेलोसिटी कितना है, टेन सर 10. क्या, सर मीटर पर मिनट. कैसे मीटर पर, आपका किलोमीटर पे दिया हुआ है ना, किलोमीटर ओके, नॉट सर, किलोमीटर आर द सेम. I did not notice that. दिस इज इन किलोमीटर, दिस इज इन आवर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 20, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ
फर्स्ट वन आवर टी इक्वल टू वन, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इस तरीके से निकालते हो कि फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल पोजीशन 10 माइनस 0, तो कितना मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस 0 और टाइम का क्या है? 1 माइनस 0, कितना हो गया? 10 है ना, 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या हो सकता है? देखो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन इज 20, 20 किलोमीटर माइनस, मैं अगर इस पॉइंट पे पकड़ूंगा इस पॉइंट, तो 10 है ना, तो 20 माइनस 10। टाइम कितना लिया? देखो फाइनल 20 पे गया कब? 2 आवर्स। एंड 10 पे कितना पे? 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया? फिर से 10 बाई 1 मीन्स 10, 10 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? यस सर, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई 20 माइनस, 20 पे गया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20 और मैं ओरिजिन से शुरू करता हूँ, तो ये 20 माइनस 0 दिस विल बी, टाइम विल बी 2 माइनस 0, ठीक है? तो कितना आएगा? 20 बाई 2 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग कौन सा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, किसी भी पॉइंट को ले लो, तो हमको क्या मिल रहा है? सेम 10 किलोमीटर पर आवर मिल रहा है। जो भी डिस्टेंस आप, अगर फाइनल पोजीशन आप लेते हो, फाइनल पोजीशन क्या था? 40 पे पकड़ते हैं, सो 40 माइनस 0, 40 माइनस 0 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो वंस अगेन इट इज 10। तो द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतना तो क्लियर हो गया। और उसका वेलोसिटी कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये हो गए एक इंफॉर्मेशन, और क्या बता सकते हो? क्या इस ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर, इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन आपको डिस्टेंस देगा? एस इज इक्वल टू कितना होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, यस सर, वी इज इक्वल टू एस बाई टी है ना, एस इक्वल यस टू सर, वी इंटू टी। और अगर दो चीजों का, एक वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, और अगर मैं इसको एक्स वाई इंटू एक्स करता हूँ तो क्या चीज मिलता है बताओ? एरिया मिलता है ना। थोड़ा देर पहले बताया था, अगर एक रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल होता है और लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो क्या मिलता है मुझको? एरिया मिलता है। यस सर, तो कोई भी दो लेंथ अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो एरिया मिलता है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू एस, और एस क्या देगा? एरिया अंडर द कार्व। तो क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कार्व। तो ये जो ग्राफ है, इसका अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पोर्शन ले लूं और उसका अगर एरिया निकाल लूं, यहां से यहां तक का एरिया निकाल लूं, वो एरिया मुझको क्या देगा? एरिया मुझको देगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जब बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर ये स्पीड टाइम होता,
वर्सेस टाइम होता तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। समझ में आया ना, कंफ्यूजन है। ग्राफ में, ग्राफ पूरा समझ में आया कि कंफ्यूजन है, बताओ। सर समझ आया। ओके, तो किसी भी ग्राफ में ना आप देखोगे कि दो चीज आपसे पूछा जाएगा, एक चीज होता है एरिया अंडर द कर्व और दूसरा होता है स्लोप ऑफ द कर्व। क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप क्या चीज होता है, स्लोप पता है, स्लोप मतलब होता है इंक्लाइनेशन, है ना, इंक्लाइनेशन, ये कितना टिल्टेड है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। और स्लोप हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप होता है आपका, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई एक्सिस बाई डेल्टा एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना ये बात, स्लोप क्या होगा कि यहाँ पे वाई एक्सिस का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का वेरिएशन, ठीक है, वाई बाई एक्स जो भी मिलेगा वो होगा स्लोप। तो यहाँ पे वाई बाई एक्स क्या मिल रहा है, वाई में है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, तो वी बाई टी तो कुछ होता नहीं है, होता है क्या बताओ, वी बाई टी क्या होता है, कुछ होता है क्या, बोलो बोलो। अच्छा वी बाई टी अगर मैं करता हूं तो कुछ मिलता है क्या मुझको, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या देता है, डिस्टेंस नहीं कैसे डिस्टेंस भाई, अभी अभी तो लिखा आपने, डिस्टेंस मतलब क्या है, वी इंटू टी, तो v इंटू टी और v डिवाइडेड बाई टी एक ही बात हुआ क्या, नो सर। तो v बाई टी मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, कि समय के साथ क्या चेंज हो रहा है, समय के साथ मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यस सर। टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज होता है, समझना मेरी बात को, टाइम के साथ क्या चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, तो हम बोल रहे हैं कि उतना मेरा स्पीड है कि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं मैं। और अगर समय के साथ मेरा स्पीड भी चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था ना ये वाला, कि जो स्पीड आपने चेंज किया, पकड़ लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे थे और फिर यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर आ गए, फिर 20 से हमने 60 पे जंप किया है ना, अब 20 किलोमीटर पे चल रहे थे, पकड़ लो इधर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे चल रहे थे और 20 से अचानक कहाँ पे आ गए भैया, 60 किलोमीटर पे आ गए। तो 20 से 60 किलोमीटर तक जाने में आपको टाइम कितना लगा, इतना टाइम में आपने ये स्पीड चेंज किया कि 20 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड आपने बढ़ाया, तो ये जो स्पीड का चेंज हुआ ना समय के साथ, तो कितना टाइम पे वो चेंजेस आया वो लेगा क्या आपका एक्सेलरेशन। आप जब कार चलाते हो तो बोलते हो ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर दबा दो, तो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है, मतलब स्पीड का चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। तो ये 1 दिन में क्लियर नहीं होगा, दो दो एक लेक्चर लगेंगे, बट इतना तो थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ गए जितना मैंने बताया इतना काफी है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने बात किया डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी का, और अगर वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है समय के साथ उसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। तो अगर मेरा वेलोसिटी टाइम कार्ड दिया हुआ है, ग्राफ अगर क्या है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट देता है, ओके, और
ऑफ द कार क्या देता है? स्लोप देता है मेरा एक्सेलरेशन। स्लोप से मुझको क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन। ये स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके चलो, काफी देर हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में नहीं आने से बताओ मेरे को, समझ ओके सर, में आया? ये सब आपका आपकी क्लास में नहीं कराया है अभी तक? सर एक्चुअली वी डिड इट बट नॉट इन डिटेल, जैसे ऊपर ऊपर से कराया था. हाँ, ये सब इतना ऐसे नहीं बताया, ग्राफ वगैरह नहीं बताया। सर वी डिड ग्राफ बट इट वाज नॉट दिस डिटेल्ड. ओके, सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर। यस सर. सी दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, सिंस यू आर इन ऑनलाइन एंड आई एम नॉट एबल टू सी यू और व्हाट एवर योर रिएक्शन इज एंड हाउ मच आई डोंट नो हाउ मच आई एम एबल टू कन्वे माय मैसेज टू यू, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट अंटिल एंड अनलेस यू ओपन अप विथ मी आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। सो डू शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ मी दैट सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज आर दीज पॉइंट्स because there are lots of things that you need to know prior to understand the subject. Getting my point? There are lots and lots of things that exactly we should know prior to understand the physics what actually is. तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीजें एक साथ पहले कवर कर लूँ, so that at least हम लोग फेमिलियर तो हो जाए वो सारी बातों में, है ना, वो सारे पॉइंट्स से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है वो मैं 5 मिनट्स आई विल बी टेकिंग एंड वो चीजें आपके दिमाग पे रहना चाहिए, वो रहेगा तो आपको समझ में आएगा। क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूँ? नंबर 1, आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव और ये कुछ नहीं है, हम लोग छोटा छोटा पार्ट में चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। समझना नहीं है, सिर्फ जानना है कि ddt जहां पे लिखा होगा इसका मतलब वो डेरिवेटिव ले रहा है। हो सकता है ddt की जगह पे मैं लिख रहा हूँ dvx, इसका मतलब नीचे जो टर्म होता है ना, t अगर दिया हुआ है तो t के साथ, x अगर दिया है तो विथ रेस्पेक्ट टू x, किसी के साथ भी हम उस जो भी फंक्शन है यहाँ पे उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। दूसरा चीज इंटीग्रल, मैंने यहाँ ये सारी नई चीजें हैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रल का सिंबल ऐसा दिखता है, एस लंबा सा एक एस। इंटीग्रल मतलब वो सारे छोटे छोटे पार्ट जो हमने किए थे डेरिवेटिव में उन सबको जोड़ देना, तो समेशन प्लस करना। तो इंटीग्रल का मतलब होता है समेशन और डेरिवेटिव का मतलब होता है डिविजन। और क्या चीज आपको जानना है? आपको ये चीज जानना है कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन ना, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन जो होगा, इस टाइप से ग्राफ जो लिखते हैं, तो इधर हमने लास्ट क्लास में हमने किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस ये होता है हमारा स्लोप। स्लोप बोलने से स्लोप ऑफ द ग्राफ और स्लोप ऑफ द कर्व। तो जब कभी भी हम लोग स्लोप बोलेंगे तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन वाई एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है और उसका कोरोस्पोंडिंग एक्स एक्सिस पे कितना चेंज होने से वाई एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है। अब पकड़ लो, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले लिया, तो टाइम कितना, टाइम के चेंज पे मुझको कितना वेलोसिटी चेंज मिल रहा है वही दिखा रहा है ना, स्लोप की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की जगह पे डिस्टेंस ले लेता तो ये हो जाता डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब कितना टाइम के वेरिएशन पे कितना डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है ना। तो स्लोप क्या देता मुझको? डिस्टेंस बाय टाइम देता। तो डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब हमको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है या फिर स्पीड होता है।
और अगर वेलोसिटी रखते हैं तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम होता है मेरा एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द कार, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे कि स्लोप ऑफ द कार बताओ, एक आपको एक ये दे देगा, ऐसा ग्राफ दे देगा और ग्राफ में वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी और टाइम, और पूछा आपसे कि इसका इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, या फिर पूछेगा स्लोप ऑफ द कार इज इक्वल टू व्हाट, तो स्लोप ऑफ द कार विल बी v बाई टी, और v बाई टी का मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द कार्व क्या देगा? एरिया अंडर द कार्व मतलब v इंटू टी, मतलब y इंटू x। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया का मतलब होगा y एक्सिस इंटू x एक्सिस, है ना? जैसे हमने ये रेक्टेंगल में लिया था, ये अगर l है, ये अगर b है, तो मल्टीप्लाई कर देने से एरिया मिलता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मतलब एरिया मिल गया, तो एरिया अंडर द कार्व मतलब y इंटू x, क्लियर? तो ये दोनों चीजें याद रख लेना, स्लोप मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड एरिया मतलब वाई इंटू एक्स। अब आप देख लो वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो वी इंटू टी क्या देता है भाई मेरे को? तो फ्रॉम डेफिनेशन हमको पता है वी इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, तो वी इंटू टी मतलब हो जाएगा मेरा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो इसको फिर से रिपीट करेंगे कभी, और आज के लिए इतना काफी है। ओके गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके चलो बाय बाय।